सर हमको एग्जाम्पल नंबर 13 अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, अब क्या तेरा क्या मेरा, आजा मिलके करते हैं। 3, 6 और 12 का अगले ने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 3, 6 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो सर इन्होंने 3, 6 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया और खोपड़ी पे 1/3 चढ़ा दिया। यस, फिर देखो थोड़ा सा टिपिकल है, मैं शॉर्टकट दूंगा। सर इन्होंने ये क्या करा सर, ये मॉड्यूल की यही आदत अच्छी नहीं लगती यार सर, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। नहीं नहीं बेटा देखो, थोड़ा सा मॉड्यूल अपना भूखा है तो ये बीच बीच की स्टेप्स खा जाता है। तो 3 × 6 × 12 ही आ रहा है ना, 216। तो 216 को उन्होंने 6 के फॉर्म में लिख दिया। अब यार सर मैं नॉन मैथ्स वाला बच्चा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ मैं मानता हूँ बेटा, पर अभी 1 मिनट देख, उन्होंने फिर ये 216 को 6 का क्यूब लिखा, खोपड़ी का 1/3 लिखा, फिर 3 3 कटा तो आंसर 6 आया। तो सर मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है, जाने देना अपन अपनी मस्ती में करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके देता ना बेटा, चिंता मत कर। एक तरीका, फर्स्ट वे, अपना शॉर्टकट मार दे बच्चा। हाँ सर ये समझ में आ गया, फर्स्ट वे में शॉर्टकट मार देता हूँ सर मैं। कैसा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। पर बेटा ऐसा कहीं भी नहीं लगाना, मैंने बोला था केवल तब लगता है जब सीरीज जीपी में होती है। तो सर मैं भी आपका बच्चा हूँ क्या, आपने मेरे को कमजोर समझा है क्या, मैंने पहले ही चेक कर लिया वो जीपी में है। अच्छा कैसे देखा बेटा तूने, ये देखो सर, 3 में मल्टीप्लाई करा 2 तो आ गया 6, और 6 में मल्टीप्लाई करा 2 तो आ गया 12। तो आप देखो सर ये तो जीपी में आ गया। ओ अभी समझा मैं, ये जीपी में आ गया, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया। फर्स्ट टर्म की जगह पर अंडर 3 लिया, लास्ट टर्म की जगह पर 12 लिया, 12 × 3 = 36 हुआ, 36 का रूट लिया तो आ गया। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया मैं, समझ गया। ये अपन ने कहा, बोलो समझे क्या, समझता नहीं है यार, है ना। ठीक है, कल टीवी पे पिक्चर आ रही थी राजा बाबू, उसमें शक्ति कपूर होता है, उसके पजामे के दोनों नाड़े लटके रहते हैं, तो वो हर बात समझाने के बाद में बोलता है इस तरीके से, क्या बोलता है, समझता नहीं है यार। तो अपन भी ऐसा बोलेंगे जब कोई बच्चा समझेगा नहीं, क्या क्या बोलेंगे, बोलो सब मेरे एक साथ, क्या बोलेंगे, समझता नहीं है यार, है ना। चलो आगे बढ़े। अब एक तरीका तो हो गया अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 × 12 = 6 कर दिया। दूसरा तरीका क्या है सर, आप बताओ, हम आपके दूसरे तरीके में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आ जा बेटा दूसरा तरीका देख ले। दूसरा तरीका ये है मेरे बाबू कि देख, तुझे 3 × 6 × 12, चलो ये लिखना नहीं आ रहा मेरे बच्चे को कि भाई ये 6 के पावर में क्यूब है, चलो ये अपन मानते हैं यार, कोई गलती नहीं है इसमें। पर एग्जामिनर आंसर तो देगा ना यार, एग्जामिनर आंसर तो देगा ना बेटा। एग्जामिनर जो आंसर देगा, मेरी जान, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 216 लिखा और ये आंसर की खोपड़ी पे 1/3 की जगह 3 चढ़ा देना। और 4 अलग अलग आंसर जो एग्जामिनर देगा, वो 4 अलग अलग आंसर उठाकर इधर रख देना। आंसर में 6 डाला और इसकी खोपड़ी पे 3 आया, तो बोलो 216 आया कि नहीं आया, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, समझता नहीं है यार। हाँ तो 216 अपना आंसर आ गया, बोलो जी बोलो, आया समझ में। तो या तो तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करके 3 × 12 करके, या फिर तुम दूसरा तरीका है, तुम आंसर उठा के नॉकआउट करो। आंसर तो यार झक मार के देना पड़ेगा ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यार भाई, आंसर तो देना पड़ेगा ना उसको, आंसर की खोपड़ी पे 3 डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चले भाई, अच्छा इसके Thank you.